नमस्कार, स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 1 अक्टूबर 2017 को हुए सब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए इंडिया जीके से संबंधित प्रश्न बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च शांतिपूर्ण शौर्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक चक्र। शौर्य वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, सेकेंड है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स का हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र, सेकंड हाईएस्ट है महावीर चक्र एंड थर्ड है वीर चक्र। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स का हाईएस्ट अवार्ड है अशोक चक्र अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट है कीर्ति चक्र एंड थर्ड है शौर्य चक्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्वघोष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीताशर नामक पुस्तक किसने लिखी? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। सुब्रतो कप इंडिया में खेला जाने वाला एक फेमस इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजीत वाडेकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ हुआ था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन था? जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। जैन धर्म का संस्थापक प्रथम तीर्थकर और प्रवर्तक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और इसके महावीर जी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म का प्रमुख बना वो था सुधर्मा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिले को क्या कहते थे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगल काल में जिले को सरकार कहते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य के नाम से जाना जाता था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास वंश के पहले शासक कौन थे? इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय प्रेस पर कड़े नियंत्रण हेतु बनाया गया था। इसके जो प्रावधान थे वो बहुत ही भेदभावपूर्ण थे। भारत की प्रेस ब्रिटिश नीति की कड़ी आलोचना करती थी, इसलिए उस पर काबू करना इस अधिनियम का लक्ष्य था। इस एक्ट को 1878 में पास किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग को विश्व जनीन दाता कहा जाता है? यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? मेनली होता है ओ नेगेटिव, जिसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, लेकिन आपके ऑप्शंस में वो नहीं है। आपके ऑप्शन में है ओ पॉजिटिव, तो आई थिंक ऑप्शन सी, ओ पॉजिटिव होगा आपका आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध।
बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडाकाइट, बेसेनाइट, डेसाइट, एंडेजाइट क्या हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये सब आग्नेय चट्टानों के रूप हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि कौन सा मेटल इनमें से फ्री स्टेट में मिलता है? फ्रीली स्टेट में मिलने का मतलब है कि वो धातु हवा यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना। सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये सब फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम वगैरह ये रिएक्शन कर जाते हैं, ये फ्रीली स्टेट में नहीं होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में लौह की प्रचुर मात्रा होती है, यानी कि किस में आयरन मौजूद होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पालक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी जोन फॉर न्यू अपडेट्स एंड वीडियोस एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। आप हमें नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।